हेलो गाइस, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? ठीक ठाक हैं उम्मीद करता हूँ। खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए तो जनाब चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप पहले से मौजूद हैं तो किस बात का इंतज़ार है जनाब, अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है जनाब सुरेश चवहानके। यही नाम है ना, मिस प्रोनाउंसिएट ना करते हम। सुरेश चवहान के सेवेज मोमेंट्स, ठग लाइफ। तो देखते हैं जनाब किस तरह की ठग लाइफ हमारे लिए है। उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर ना हो। स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पत्रकार के बारे में जो कट्टर हिंदू के साथ साथ एक राष्ट्रवादी पत्रकार भी है। आज हम बात करेंगे सुरेश चवहानके के बारे में। सुरेश चवहानके जाने जाते हैं अपने बेबाक जवाब देने के कारण। सुरेश चवहानके की सबसे अच्छी बात है कि वो किसी से नहीं डरते। उनको जो बोलना होता है वो बेक ऑफ बोलते हैं, वो किसी से डरते नहीं है। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा के बारे में। आप सबके सहयोग से लाल सिंह चड्ढा की चड्डी उतार दी हम सब ने। जब सुरेश चवहानके से पूछा गया लाल सिंह चड्ढा के बारे में आप क्या सोचते हैं और आप लोगों ने आमिर खान को ही टारगेट क्यों किया, तो देखिए सुरेश चवहानके सर ने क्या बेखौफ जवाब दिया है। वहीं बड़े बजट में बनी हुई फिल्मों को लगातार लोग बहिष्कार कर रहे हैं, इन दोनों चीजों पर किस तरीके से देखें? आप सीधा नाम लीजिए ना, लाल सिंह चड्ढा। उसकी चड्डी उतार दी लोगों ने। एक चीज मैंने थोड़ा सा क्लिप देखा था की थी चड्ढा का, और उतार कर पहले फिल्म में रेडियो सामने रखता था। यार एक बंदा जो कि बर्दाश्त बहुत किया, चुप रहे, नॉर्मल नहीं लग रहा था, आर्मी में कैसे जा सकते हैं? स्टोरी कुछ समझ नहीं आई। और क्या कर सकते हैं पाकिस्तान भाई, यार ऐसा थोड़ी है हर बंदा उठ के पाकिस्तान आ जाए। बोलना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि आमिर खान लीजेंड है, इनको बहिष्कार नहीं करना। देखिए ये सब व्यापार के दुकान थे, इनका शटर डाउन हो गया है। हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ लंबा दिन तक नहीं चलता है। औरंगजेब हो, अकबर हो, या ओबीसी हो, या बॉलीवुड हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अकबर तो मेरे ख्याल में काफी काम कर गया था। इंटरव्यू ले रहे थे तो आजम खान वाइल्ड मुगल था जिसने कुछ अच्छे काम किए। आरएसएस को रोको, हिंदुओं को रोको, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो देखिए सुरेश चवहानके सर ने उसको रिटर्न ज्ञान क्या दिया है, सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। आप कहते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित किए जा रहे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का बहुसंख्यक हिंदू अगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने लगे तो मुसलमान यहाँ रह नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते, फल फूल नहीं पाते। यही गलत ख्याल है। क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। देखिए मतलब सच बोले हम तो आप कहते देश खतरे में आ जाए। कह रहे हैं आपसे तो? रोकिए आरएसएस को और कम्युनल फोर्सेस को कि ये स्ट्रेटेजी बहुत महंगी पड़ जाएगी। मेरे जैसे लोग नहीं मिलेंगे जो किसी भी कीमत पर इस बात के लिए तैयार ना हो कि कोई मूवमेंट हिंदुस्तान में आतंक पर आधारित नहीं चलना चाहिए, किसी को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होना चाहिए। लेकिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ था और यही सबसे बड़ी गलती थी। तो एक बड़े कलंक को पोछा गया ना। कौन सा कलंक? बाबर तो आपका था नहीं, बाबर से आपका क्या संबंध, आपके पूर्वज तो हिंदू थे। सुरेश चवहानके सर जब पूर्वज हिंदू थे तो उसका बेचारा हिंदू ही करता है, उसकी अपनी चॉइस देने वाला भी सोचता है। अभी तो इंटरव्यू स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ये पहले से बेइज्जती करने लग गया है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चवहानके और आप देख रहे हैं। लेकिन यार एक बात है, मतलब एक आज ऐसी हस्ती को लाया, एक जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट ही रहना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जो भी उसके थॉट्स हो। मोदी सरकार आने में भी उनकी भूमिका, अदरवाइज वो फिर एक टैग लग जाता है ना मीडिया पे, मीडिया बायस्ड है। कंफ्यूज हो चुके होंगे इसलिए मैं आपको मिलवाता हूँ कांग्रेस के कद्दावर नेता महासचिव दिग्विजय सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार, मैं आपको आपके नाम के साथ सिर्फ दिग्विजय सिंह इसलिए लगा पाया कि मैं श्री लगाऊं, मोहम्मद लगाऊं, क्या लगाऊं, कंफ्यूज था। तो ये क्या मुस्लिम था? बात करते हैं कसाब के बारे में। हाँ भाई, ये आतंकवादी कसाब के बारे में ही बात कर रहे हैं। सुरेश चवहानके सर कसाब और कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं, देखकर आपके दिल में भी एक डाउट आएगा। मैं बताऊं सुरेश जी, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, शौर्य का नाम भी हिंदुत्व है। मैं बता रहा हूँ, गर्दन गर्दन काट के चले जाए तो आप क्षमा करेंगे और अफजल खान का पेट फाड़ने का नाम भी हिंदुत्व है, केवल क्षमा नहीं है। अफजल गुरु को फांसी किसने दी? बीजेपी ने, कांग्रेस की सरकार में लगी।
कसाब को फांसी किसकी सरकार ने? कांग्रेस ने दी। कांग्रेस देशभक्तों का एक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी देश विरोधियों का संगठन है। देखें, पॉलिटिकल एंटिटी कोई भी हो, किसी भी कंट्री की हो, कसाब की डेट वो अपनी कंट्री के साथ हमेशा ऐसे होती है, जुड़ के दिया या क्या कर दिया। हमें यहाँ भी बड़ा लग रहा है और वहाँ भी लग रहे थे अपने ओपोनेंट्स को कह देते हैं। बाकी जो लोग सनातनियों को कम आंकते हैं उन लोगों को एक क्लिप जरूर देखना चाहिए ताकि उनको पता चले जब जब सनातनी उठा है तब तब अंधकार का विनाश हुआ है। भगवान को क्या कहा गया? करुणा निधान, दया का सागर, दीन बंधु। ये कहा लेकिन गया? हर भगवान के हाथ में शस्त्र है, शस्त्र है, हर हिंदू भगवान के हाथ में शस्त्र है। नहीं है, क्यों है? क्योंकि वो अधर्म का नाश करेगा। ठीक, लेकिन अब आजम खान जैसा आदमी अधर्मी है क्या? नहीं है। आजम खान रुक गए, पॉज लिया। नहीं, आचार्य प्रमोद ज्यादा बोलने और हिम्मत से बोलने के लिए जाने जाते, आजम खान का नाम आते ही पॉज ले लिया। नहीं, इतना डरते आप आजम खान से? आजम खान ने अगर कोई भी गलत बयानी की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं हुई? वो क्यों कार्रवाई है? हुई। क्या कार्रवाई है? तो सरकार से कहो क्यों नहीं करते? वो तो चुनाव आयोग है ना, इस देश का चुनाव आयोग सबसे कमजोर बगैर दांत नाखून का शेर है। तो आजम खान को जेल में डाल दो ना भाई, सरकार तो आपकी है, आचार्य प्रमोद कृष्णम की सरकार नहीं है। जिस दिन मैं देश का प्रधानमंत्री मैं अगर होता ना तो आजम खान की अभी तक फांसी हो चुकी होती। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. एक बोनस क्लिप है आपके लिए, अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। जो गॉडसे की आइडियोलॉजी है वो मेरे खिलाफ है क्योंकि मैं गांधी का फॉलोअर हूँ। मैं मानता हूँ सुरेश जी कि ये देश गांधी के रास्ते पे चल के ही एक रहेगा। जब जब भी गांधी गलती करेंगे, वो कोई भी हो, गांधी व्यक्ति नहीं प्रवृत्ति है, तब तब गोडसे आएंगे। ये नियति का नियम है, सावधान रहिए। इसका मतलब है कि कोई गोडसे आएगा मुझे भी मारेगा? मैं कह रहा हूँ कि जो भी गांधी बनकर, गांधी ने तब जो गलती की थी वो करेगा तो गोडसे आएगा। ये नियति का नियम है, हिंदुस्तान ने दुनिया का है। इसका मतलब आप इनडायरेक्ट में मुझे धमकी दे रहे हैं कि मेरी भी हत्या होगी? कोई गोडसे सामान के धमकी नहीं देता है, अगर करना है तो मैं ही कर सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट चलें, इतना भी काफ़ी है जनाब। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता आजम खान कौन है, लेकिन बातों से ऐसे लग रहा था कि ज़रूर उसने कोई ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर बाकी जो पार्टीज़ हैं वो थोड़ी हर्ट हुई हैं। देखें, कोई भी पार्टी हो, जैसे हमारे यहाँ PTI जो है उसको आजकल एक एंटी स्टेट एलिमेंट के तौर पर लिया जा रहा है, जो कि मेरा ये ख्याल है आपने मुकाबला करने, आप पॉलिटिकली उनका करें रादर देन के हम एक दूसरे पे गद्दारी के फतवे लगाएं। सेम अप्लाइज देयर यार, मेरा पर्सनल मानना है, आप पता नहीं आप एग्री करते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी हो यार, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जिस कंट्री में वो रहते हैं ना वो उसी का सिटीज़न है और वो उसी से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, अब जो ये बॉलीवुड्स के हैं या फिर पॉलिटिकल जैसे अवैसी है, अब उसको सिर्फ इस वजह से कह देना कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान ने वेलकम थोड़ी किया हुआ कि आ जाओ भाई इंडिया के ख़िलाफ़ बात करो और पाकिस्तान आ जाओ, ऐसे बिल्कुल नहीं है सर। जिस कंट्री के आप हैं आप उसी कंट्री के रहते हैं ना, तो थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि दोनों तरफ वालों को ये सोचना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हम गद्दारी के फतवे ना दें। बाकी अगर हाँ, अगर कोई बाकी वाकई ही जो है ना इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए और बिल्कुल कड़ा एक्शन होना चाहिए, लेकिन बिला वजह से सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कम्युनियल जो है ना फतवे नहीं लगाने चाहिए। तो ये मेरे थॉट्स हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जनाब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई गलती बलती हो गई हो तो जनाब पहले से माजरत, आपको पता है कि हमें जितना नॉलेज भी मिलता है वो वीडियो से ही मिलता है और उस वीडियो के बारे में पहले कभी भी मैं सर्च नहीं करता, अदरवाइज़ जो रिएक्शन होता है वो प्योर नहीं होता। तो आई होप यू गाइज़ अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं।